साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पाइलोमा कैप्सूल। पाइलोमा 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कैप्सूल फॉर्म में है। साथियों इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पाइलोमा कैप्सूल है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके यूजेस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो है डोज के बारे में बात करेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका जो है ये वर्क कैसे करती है और क्या क्या और फायदे हैं इसके। साथ ही साथ इसकी हम MRP की बात करेंगे और क्या चीज इस कैप्सूल के साथ नहीं खाना है, डायटरी कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। साथियों पाइलोमा कैप्सूल 100% आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, इसमें जो है हर्बल प्रिपरेशन है, कूट ड्रग बेस पे बनाया गया जिसमें प्लांट का एक्सट्रैक्ट है। साथियों ट्रूली सेफ है, 100% आयुर्वेदिक है एंड इट इज द बेस्ट कंपोजिशन ऑफ आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट एंड बेस्ट मेडिसिन है साथियों फॉर पाइल्स। ये साथियों पाइल्स में उपयोग करने वाली दवा है, ट्रूली सेफ एंड आयुर्वेदिक बेस है। साथियों पाइलोमा कैप्सूल एक ग्रोवेल फार्मास्यूटिकल कंपनी साथियों गाजियाबाद की उसका प्रोडक्ट है। साथियों मैंने नेट पे जैसा पढ़ा है इसमें ग्रोवेल फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो मरीज इसके हैं उन्होंने अपने जो है डिस्कशन किया है, उन्होंने अपनी जो है राय व्यक्त की है कि बहुत से मरीज इसको खाने से जो है पाइल्स से निजात पा गए हैं, मतलब पाइल्स प्रॉब्लम ठीक हो गई है। साथियों पाइल्स होता कैसे है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। पाइल्स साथियों क्या होता है, जिनके कब्ज बना रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, गैस बनी रहती है और जो है सुबह उठने से पेट साफ नहीं होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है पाइल्स का रूप ले लेता है। फिर उस पर जब अगर आदमी ध्यान नहीं देता है तो उसमें क्या होता है, बादी पाइल्स हो जाती है, उसमें मस्से पड़ जाते हैं। तो ऐसी बीमारी को जो है ठीक करने के लिए जो है पाइलोमा कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट कंटेंस अमालकी, इसके अंदर अमालकी है, हरी ताकी है, इसमें आंवला मिला है, नीम के बीज मिले हैं, नीम के पौधे के गुदची इसमें मिला है, अन्नाग केसर मिला है, कचनार मिला है एंड शुद्ध गुग्गुल मिला है और भी बहुत चीज़ें हैं जैसा कि डिस्क्रिप्शन में भी बताएंगे। साथियों जो इसकी MRP है साथियों 50 rupees पर 10 कैप्सूल है, ग्रोवेल फार्मास्यूटिकल। ये आयुर्वेदिक दवाई की दुकान पर और एलोपैथिक मतलब केमिस्ट की दुकान पे एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो शॉप है उस पर आसानी से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथियों 10 कैप्सूल की स्ट्रिप है। साथियों ये तो इसके डिस्क्रिप्शन की बारी बात हो गई है, यूजेस की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि पाइल्स में इस्तेमाल करने वाली ये दवा है, पाइल्स को ठीक करने की ये दवा है। पाइल्स जो होती है एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल होती है बाहरी मतलब रेडनेस होती है और ब्लड निकलता रहता है, एक्सटर्नल मतलब इंटरनल मतलब साथियों क्या होता है कि अंदर की तरफ मस्से हो जाते हैं और जो है उसी के मतलब नया रूप एक मतलब रूप है फिशर्स, उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड एनोरेक्टल कंडीशन की प्रॉब्लम होती है, अदर एनोरेक्टल कंडीशन उसमें ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। साथियों और भी इसके बहुत से यूजेस हैं जैसे कि सपोर्टिव मेडिसिन में डॉक्टर्स इसको जो है रिकमेंड करते हैं, जिनको जो है कैलकुलाई होती है, कहने का मतलब है पथरी होती है, पथरी जो है किडनी में पथरी होती है या पेट के अंदर कहीं भी अगर स्टोन है और क्या होता है बर्निंग मिक्चुरेशन होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ क्या होता है यूरोलिथेरियासिस, उसमें इस्तेमाल किया जाता है एंड क्रिस्टेलूरिया मतलब जो बॉडी के अंदर जो है क्या होता है कि पेशाब की थैली में जो यूरिथ्रा है उसमें जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल से धीरे धीरे क्या होता है वो पथरी का रूप ले लेते हैं या इस तरह से जो है कैलकुलाई में छोटे छोटे जो पीस हैं बन के बड़े होते हैं उस प्रोसेस को ये रोक देता है। साथ ही साथ क्या होता है एक्यूट रीनल कैलकुलाई है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंड UTI इन्फेक्शन है किसी तरह का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी इसको रिकमेंड करते हैं एंड यूरेथराइटिस हो जाती है, जो यूरेथ्रा होता है पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब की थैली में जो है क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, ऐसे केस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एक बार संक्षिप्त में एक बार और बताएंगे, पाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है, फिशर्स में इस्तेमाल किया जाता है, एनोरेक्टल कैसी भी कंडीशन है कैलकुलाई में होता है, क्रिस्टेलूरिया हो जाती है एंड यूरोलिथीरियासिस हो जाती है, बर्निंग मिक्चुरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, रीनल कैलकुलाई में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड यूरेथराइटिस में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों तो यूजेस की बात हो गई, इसके कंपोजिशन की बात करेंगे। साथियों जब भी आप परचेज करेंगे तो इसको जो है क्या होता है कि डायरेक्शन फॉर यूज ये है कि आप इसकी एक्सपायरी और इसकी जो है क्या कहते हैं
जब भी यूज करें तो उससे पहले इसको जो है रीड जरूर करें। साथियों कंपोजिशन है, हर्तिकी मिली है इसमें 80 ग्राम, अमालकी मिला है 60 ग्राम, साथ ही साथ आंबा हल्दी इसके अंदर मिली है, अन विभा ताकी मिली है इसके अंदर, साथ ही साथ इसमें लजेलो मिला है साथियों, और नीम के बीज मिले हैं, साथ ही साथ ये हर सिंगार इसके अंदर मिला हुआ है। साथियों गुदची भी इसमें मिला है, अन कचनार 10 mg मिला हुआ है। तो साथियों ये इसका कंपोजिशन है। साथियों इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। इसकी डोज साथियों क्या होता है, डिजीज के हिसाब से अलग अलग वैरी करती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पाइल्स है, फिशर्स है, तो उसमें 3 से 4 वीक तक जो है 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को खाए जाते हैं। साथियों कहने का मतलब है 2 कैप्सूल टू बी टेकन अर्ली इन द मॉर्निंग, कहने का मतलब खाली पेट इसको जो है फ्रेश वाटर के साथ खाना है, और ठीक उसी तरह से इवनिंग मतलब शाम को 5 या 6 बजे जब पेट खाली होता है उस समय इसको खाना है। फिर उसके बाद साथियों 1-1 कैप्सूल इसका डोज कर दिया जाता है। साथियों इसके एक्शन की बात करेंगे तो ये जो है चेक्स ब्लीडिंग बाय रिमूविंग दी कंजेशन इन द हेमोरॉइड्स, और ये क्या होता है कि कंजेशन को जो है कम करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है, और ये क्या होता है जो पाइल्स में जो स्किन श्रिंक हो गई होती है उसको क्विकली हील करता है, और किसी तरह से घाव होता है उसको हील करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हेल्प इन पासिंग दी नॉर्मल स्टूल ड्यू टू लग्जेटिव एक्शन, और इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट मिले हुए हैं कंपोजिशन में प्रॉपर्टीज़ जो है रखते हैं लग्जेटिव की। लग्जेटिव का मतलब साथियों ये होता है कि एक्सपेल द स्टूल एंड गैसेस, वो जो मारने रात में खाते हैं और सुबह जो है खाना खाते हैं, और सुबह जो है क्या होता है लेटरिन जाते हैं तो पेट एकदम साफ कर देता है ये जो है, और ये क्या होता है कि मल का जो है वो मतलब सब तरह का साफ कर देता है, और उससे जो है क्या होता है कि बहुत आराम मिल जाता है। तो साथियों रिड्यूस इन्फ्लामेशन भी ये करती है, साथ ही साथ क्या होती है प्रोवाइड कैप्सूल क्योर फ्राम हीमोराइड्स, और जो पाइल्स हो जाती है खूनी बवासीर हो जाती है हीमोराइड्स मतलब, तो उस सभी को समस्या से निजात दिलाता है। साथियों ग्रोवेल फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये हर्बल प्रोडक्ट है। साथियों डाइट्री कंट्रोल में बात करेंगे तो इसके साथ जो है फैट कोलेस्ट्रॉल सेलुलाइट की चीज़ें नहीं खानी है, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, अवॉइड जंक फूड नहीं खाना, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, समोसा है, ये सब चीज़ें नहीं खानी है तेल वाली, अवॉइड फूड लीडिंग द कॉन्स्टिपेशन जिससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं। साथियों ये कंपनी दावा करती है कि बहुत से मरीज इससे फ़ायदा पाए हैं, अगर किसी को इस तरह की मतलब बीमारी है तो वो इस कैप्सूल को लेगा तो ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। किसी तरह की क्वेरी है साथियों आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।